चौथा अध्याय। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी से जो नौ प्रकार की सृष्टि हुई है उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, यही इस समय आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने पहले जिन मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया उनके नाम इस प्रकार है, मरीचि, अत्रि, अरिंग, पुनः क्रतु, महातेजस्वी, पुलत्स्य, प्रचेता, भृगु, नारद और दसवें महाबुद्धिमान वशिष्ठ है। सनक आदि ऋषि निवृत्ति धर्म में तत्पर हुए और एकमात्र नारद मुनि को छोड़कर शेष सभी मरीचि आदि मुनि प्रवृत्ति धर्म में नियुक्त हुए। ब्रह्मा जी के दाया अडंग से उत्पन्न जो दक्ष नामक दूसरे प्रजापति कहे गए हैं, उनके दौत्रियों के वंश से ही चराचर जगत व्याप्त है। देव, दानव, गंधर्व, उरग या सर्प और पक्षी, ये सभी जो सब के सब बड़े धर्मात्मा थे, दक्ष की कन्याओं से ही उत्पन्न हुए। चार प्रकार के चराचर प्राणी अनुसर्ग में उत्पन्न होकर विधि को प्राप्त हुए। महाभाग, पूर्वोक्त मरीचि से लेकर वशिष्ठ तक सभी ब्रह्मा जी के मानस संतान है, ये सब अनुसर्ग के श्रष्टा है। सर्व अर्थात आदि सृष्टि में महात्मा भगवान नारायण पांच महाभूत बुद्धि तथा पूर्वोक्त इंद्रिय वर्ग इन सब को उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात अनुसर्ग काल में वे अनंत देव स्वयं ही चतुर्मुख ब्रह्म और मरीचि आदि मुनियों के रूप में प्रकट हो जगत की सृष्टि करते हैं।